हेलो मध्य प्रदेश, नई सोच, नया अंदाज। शिवनी जिले के लखनादौन विकासखंड मुख्यालय में दिल्ली से आई एक महिला कोविड 19 संक्रमित होना प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है। बताया गया, दिल्ली से आई महिला को स्वास्थ्य विभाग के दल ने क्वारंटाइन होने की सलाह दी थी, जहां महिला ने घर पर ही रहने की बात कही थी। जानकारी के मुताबिक महिला लखनादौन में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी, जो धनोरा विकासखंड के ग्राम सलेमा में पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुई थी। वहीं लखनादौन प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट आने के बाद महिला गायब है। स्थानीय प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। सवाल उठना लाजमी है, सैंपल रिपोर्ट आने तक महिला को क्यों नहीं किया गया क्वारंटाइन? एसडीएम अंकुर मेश्रम ने बताया कि जिस समय महिला का रैंडम सैंपल लिया गया था, उस समय महिला की संक्रमित होने के कोई लक्षण नहीं पाए गए थे, लेकिन अब संदेह है संक्रमित हो सकता है। नहीं, जो ये जानकारी मिली वो ये है कि संबंधित जो परिवार जिस दिन आया था, उस दिन यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और इनकी टीम जो है उनको रैंडम चेकिंग के लिए आई थी प्रारंभिक। चूंकि इनके किसी तरह के कोई सिम्टम नहीं थे, इसलिए इन्होंने इनको जो है ये बता दिया गया कि आप जो है अपना जो है सावधानी रखेंगे। और इसके बाद जब ये सूचना बीएमओ को फोन से प्राप्त हुई कि संबंधित एक परिवार हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के बेस पे उन्होंने अपनी सैंपलिंग टीम को भेजा। सैंपलिंग टीम को ने इनको बुलाया सेंटर में और इनका जो है सैंपल लिया रैंडम सैंपल। तो सर, महिला इस सैंपल पे किसी को कोई पॉजिटिव केस मिला है क्या? रैंडम सैंपलिंग में अभी जो सूचना मिली है, तो उसमें जो है हमको ये संदेह इन्होंने बताया है कि ये हो सकता है पॉजिटिव, तो हम इसको संबंध में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं।